हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद अचीप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ISO 9001 टू 2015। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस के वीडियोस यहां पर हम लेकर आते हैं। तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स, हमने एक Redmi 7A का हैंडसेट है जिसमें ग्राफिक का प्रॉब्लम है, इसे स्टेप बाय स्टेप इसको फॉल्ट को फाइंड आउट किया है, स्टेप बाय स्टेप ट्रेस किया है और सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया है। और ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, इसमें जो काम किए हमारे स्टूडेंट है जो कि इसी बैच के हैं, सितंबर 27 बैच के स्टूडेंट है जो कि बैंगलोर से है शमसुद्दीन, जिन्होंने इसमें सब कुछ चेक किया है स्टेप बाय स्टेप और इसको रिपेयर करके यहाँ पे बताया है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और इस तरह से आपको एक प्रॉपर नॉलेज अगर सीखनी है, एक प्रॉपर स्केमेटिक डायग्राम की जो है सर्किट की जो नॉलेज होती है आपको अगर सीखना है और हैंड स्किल का काम अगर से प्रॉपर सीखना है, अगर आपको ICOM पे वर्क करने नहीं आ रहा है या फिर ब्लैक पेस्टेड आईसी या फिर येलो पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड आईसी आपको खोलने नहीं आ रहा है या डबल डेकर CPU आपको बनाने नहीं आ रहा है या कम से कम समय में फॉल्ट को फाइंड करने नहीं आ रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल वे में आपको काम सिखाया जाएगा, सर्किट की एक प्रॉपर नॉलेज देंगे और साथ ही साथ हैंड स्किल पे आपका पूरा ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 20 दिन की क्लास होती है जिसमें डेली 10 घंटा आपको प्रैक्टिकली काम कराया जाता है, जिसमें सर्किट नॉलेज के साथ साथ फॉल्ट फाइंडिंग और साथ ही साथ हैंड स्किल के काम पे एक प्रॉपर वे में आपको काम यहाँ पे सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स जो कोर्सेस होते हैं, आईफोन का एक प्रॉपर कोर्स है जो कि 20 दिन का कोर्स है, हर महीना 15 तारीख से लगता है, नेक्स्ट बैच 15 अक्टूबर से है, अगर आप चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 17 दिसंबर से आपको एक एडवांस लेवल का कोर्स है जिसमें MMC क्लास और ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड CPU खोलना और साथ ही साथ फॉल्ट फाइंडिंग बहुत ही इजी वे में उसमें आपको बताएंगे। और हमारे यहाँ पे जो कोर्स है मेन कोर्स, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का काम सिखाया जाता है, जो कि 20 दिन का कोर्स है जिसमें सर्किट नॉलेज और साथ ही साथ हैंड स्किल का काम सिखाया जाता है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए कैसे हमने ग्राफिक सेक्शन को बनाया है, कैसे हमने इस हैंडसेट पे काम किया है और जितना भी काम किया है सब कुछ स्टूडेंट ने किया है और इनका 6 दिन हो चुके हैं इनके और इनको आज ग्राफिक सेक्शन हमने पढ़ाया था और साथ ही साथ इन्होंने ये जो हैंडसेट है ये स्टूडेंट का ये हैंडसेट है जिसको रिपेयर किए हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाइक करें, नीचे अपना कमेंट जरूर दें और इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो कि बेंगलुरु से है, थोड़ा अपना नाम बताइए। मोहम्मद शमसुद्दीन। शमसुद्दीन, आप बेंगलुरु से हैं? जी। ठीक है, अभी कल हमारा क्या क्लास हुआ था, ग्राफिक सेक्शन पढ़े थे और आज कुछ बग LDO वगैरह पढ़े थे। ठीक है, तो अब ये एक हैंडसेट है आपके पास, कौन सा हैंडसेट है थोड़ा सा बताइए? Redmi 7A है। किसका है ये? ये स्टूडेंट का ही? स्टूडेंट का। हाँ, स्टूडेंट का है, अपने साथी का है। ठीक है, आपके साथी का ही है। हाँ। अभी अपन रिपेयर कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसमें ऑन पावर बटन दबाने से वाइब्रेट कर रहा है पर इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं आ रही। ग्राफिक्स नहीं आ रहा और DC से चेक करने पे क्या आ रहा है, मोबाइल पूरा ऑन हो रहा है? हाँ, पूरा ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले ग्राफिक और बैकलाइट दोनों भी नहीं आ रहा। दोनों नहीं आ रहा। चलिए एक बार ऑन करके बता दीजिए थोड़ा सा, थोड़ा इधर लाइट के नीचे रखिए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, लाइट के नीचे रखने के बावजूद भी इसमें कोई ग्राफिक नहीं आता है। थोड़ा सा क्लीन करके बता दीजिए, थोड़ा थिनर से साफ करिए। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसमें ग्राफिक का प्रॉब्लम है, तो अब ये रिपेयर करेंगे शमसुद्दीन खुद और यही फाइंड आउट करेंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसा है इसमें। ठीक है शमसुद्दीन, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। तो खुदबुद्दीन ये बताइए जो बेसिक स्टेप्स क्या है हमारे ग्राफिक को चेक करने के, जो आप क्लास में यहाँ पे सीखे थोड़ा सा बताइए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? जी, हम स्टार्ट करेंगे ट्रबल शूटिंग स्टेप्स है। फर्स्ट चेक करेंगे अपना डिस्प्ले का कनेक्टर, ओके, जो कि अच्छा रहना चाहिए और जो डिस्प्ले कनेक्टर बोर्ड में जो लगता है और जो डिस्प्ले में लगा हुआ है, ओके, दोनों कनेक्टर नीट रहना चाहिए। ठीक है, वाटर डैमेज की वजह से पिन वगैरह डैमेज हो सकती है? हाँ, हो ठीक सकते हैं। उसके बाद तो हमने ये चेक कर लिया कनेक्टर और डिस्प्ले कनेक्टर दोनों नीट है। ठीक है, और आए अपने ग्राफिक सेक्शन की तरफ। ठीक है, जो लाइटिंग का सेक्शन ऑलरेडी काम किया हुआ है किसी ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें? देखेंगे GR वैल्यूज, MIPI के GR वैल्यूज Okay. आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, और रहे जो भी डिस्प्ले के कनेक्शन आते हैं उसमें
जी आर वैल्यू चेक करेंगे, जो कि सी आई बी सी है, अपना कैथोड है, एनोड है, सभी में जी आर वैल्यू चेक करेंगे। और ये तो लाइट के हो गए, ग्राफिक के लिए जो सप्लाई आती है, के लिए जो आते हैं वो होता है वी एस पी और वी एस एन, ओके, दोनों में जी आर वैल्यू, या रीसेट लाइन हो गई या टीयरिंग आईडी लाइन वगैरह हो गई, सब कुछ पता है ना आपको। तो मेन ये पता होना चाहिए कि कौन सी पिन पे कौन सी लाइन आ रही है, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम यहाँ पे ओपन है, तो आपको ये डायग्राम रीड करने अभी बन रहा है। जी बन रहा है सर। और जो फॉल्ट है, जो फॉल्ट फाइंडिंग जिसे बोलते हैं, ये अभी आपको करने आ रहा है। कितने दिन की क्लास हो गई अभी अपने? जी मेरी हो गई 5 दिन, 5-6 दिन की क्लास हो गई। तो पहले ऐसा समझ में आता था क्या, जब मोबाइल पहले आप बनाते थे और अब में कितना फर्क आ गया? नहीं, बहुत फर्क है। पहले तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता था कि ये ग्राफिक्स की तरफ से हो रहा है या लाइट की तरफ से हो रहा है। अच्छा, अभी आने के बाद यहाँ जो स्कीमेटिक डिटेल भी बताया गया है, जो ट्रबल शूटिंग स्टेप्स अपना रहे हैं, उस हिसाब से ट्रबल शूट करो, तो स्कीमेटिक को और जो स्टेप्स बताए गए हैं उस हिसाब से जाओ, तो ट्रबल शूटिंग आसान तरीके में बताए दे रहा, इजी वे हो जा रहा आपको बनाने के लिए, बहुत इजी हो जा रहा है। ठीक है, चलिए। क्या जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बार पीसीबी बता देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसका कुछ भी इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई शील्ड पतरा वगैरह निकाला नहीं गया है, क्योंकि कंपोनेंट्स शील्ड के नीचे है। यहाँ पे भी एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये चेक करेंगे अभी, और हमारा जो डिस्प्ले कनेक्टर यहाँ पे है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो डिस्प्ले कनेक्टर भी चेक करेंगे, सारी चीज़ चेक करके आपको अभी बताएंगे। चलिए आपका प्रोसेस स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कूल टेस्टिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, और क्योंकि कोई भी सेक्शन रिपेयर करना होता है, सबसे पहले कूल टेस्टिंग करते हैं। और कूल टेस्टिंग में से भी हम मेथड से फॉल्ट को पकड़ सकते हैं, या तो फिर हॉट टेस्टिंग से भी पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं कूल टेस्टिंग, और अभी हमने डायोड मोड में डाल लिया है। ठीक है, डायोड मोड में डाल के अब हम कूल टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम MIPI लाइन चेक कर लेते हैं, जिसे मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस कहते हैं, या तो फिर DSI भी बोलते हैं, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। ये जो 10 लाइन होते हैं हमारे, पॉजिटिव नेगेटिव डाटा की लाइनें और क्लॉक की लाइन, ये चेक कर लेते हैं। इस पे GR वैल्यू आ रही है? ठीक है, पहले वाले पे। ठीक है, दूसरे वाले पे भी GR वैल्यू आ रही है? ठीक है, ये थर्ड वाले पे भी GR वैल्यू आ रही है? हाँ, ठीक है, फिफ्थ वाले पे भी आ रही है? हाँ, सिक्स्थ वाले पे भी आ रही है? ठीक है, ये सेवेंथ वाले पे भी आ रही है? ओके, एइथ वाले पे भी आ रही है? ठीक है, नाइन्थ वाले पे भी आ रही है? ठीक है, और टेंथ वाले पे भी आ रही है? GR वैल्यू आ रही है, तो MIPI लाइंस मतलब हमारे 10 के 10 लाइन पूरे ओके है? ओके है। ठीक है, कहीं ओपन नहीं हुआ है बीच में? ठीक है, तो सबसे पहले शमशुद्दीन अभी हॉट टेस्टिंग करेंगे। तो हॉट टेस्टिंग पे डिस्प्ले कनेक्टर पे कौन से वोल्टेजेस चेक करते हैं हम? VSP और VSN। VSN ये कौन सी IC बनाती है? ये बनाती है अपनी ग्राफिक्स, ग्राफिक IC। लेकिन कब बनाएगी ग्राफिक IC? जब उसको पावर सप्लाई दे, पहले उसको इनपुट सप्लाई मिलेगी, VPS सप्लाई उसको मिलेगी, तभी वो आउटपुट दे पाएगी, अदरवाइज VSP VSN नहीं बनेगा। तो जैसे कि ये Redmi 7A का हैंडसेट है, तो इसमें ग्राफिक IC कौन सी है, जैसा कि ट्रेस करें हम, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट में बता दो पहले। जी, ट्रेस करने के बाद ये पता चला कि 1101 अपनी ग्राफिक्स IC है। ठीक है, बोर्ड में कहाँ लगी है थोड़ा सा ये भी बता दो। लेआउट से बता देता हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये स्कीमेटिक डायग्राम को, यहाँ पे ये वाली हमारी थोड़ा सा बोर्ड को, बोर्ड पे कहाँ लगी है थोड़ा सा छोटा करके बता दो, वहीं पे ये लगी है अपने CPU के बाजू में, है ना। तो यहाँ पे बता दीजिए कहाँ पे लगी है? यहाँ पे लगी है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी ग्राफिक IC लगी है। नंबर भी बता दो थोड़ा सा, PMI है कि PML है? PMI 632। ठीक है, PMI 632 है जी। ठीक है, चलिए अभी मोबाइल अपना कनेक्ट कर लीजिए और हॉट टेस्टिंग करके ये देख लीजिए पहले VPS, पहले उसको इनपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर ग्राफिक IC को VPS इनपुट नहीं मिलेगा तो क्या वो VSP VSN बनाएगी? शमशुद्दीन नहीं बनाएगी। तो सबसे पहले हम इनपुट ही देखते हैं जी, इनपुट देखते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ पे देखना है थोड़ा सा बता दो वो भी। डायग्राम में अपना VHP इनपुट देख रहे हैं जो कि जा रही है VPH। कहाँ कहाँ पे आ रहा VPH? VPH इनपुट ये कर रही है नंबर 6 पे,
AK-RAID नंबर 26 ठीक है, 6 पे तो डायरेक्ट आ रहा है जी, और 26 के बीच में क्या मिला है? एक सबसे पहले एक कॉयल बना है, कॉयल मिला है और उसके बाद में क्या लगा है? एक कॉयल बना के यहाँ पे कैपेसिटर बना है, पैरेलल में कैपेसिटर है और सीरीज में एक कॉयल है। तो कॉयल का नंबर बताइए क्या है? L1201 L1201 एक मिनट L1201 जी ठीक है, L1201 है। चलिए L1201 पीसीबी में कहाँ लगा है थोड़ा सा बताइए, वहीं पे लेआउट में चेक करके बता दो। L1201 देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा जूम करके बताइए। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारी ग्राफिक आईसी लगी है उसके ऊपर L1201 एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। सबसे पहले ये VPH इस आईसी को इनपुट मिलती है, अगर ये इनपुट सप्लाई मिलेगी तभी हमारा VSP VSN आउट होगा। तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कॉइल के दोनों ओर हमारा VPH वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए VPH थोड़ा सा चेक करके बता दीजिए। तो यहाँ पे इसमें फिट कर लीजिए और वही कॉइल के दोनों ओर। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? पावर सप्लाई देना। यहाँ पे ये पतरा जैसा देख रहे हैं, पतरा लगा हुआ है, थोड़ा सा पतरा कट कर लीजिए आप ताकि चेक करने आ जाए। ठीक है जी, ठीक है, कट कर लो। जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में आपको सोल्यूशन देते हुए कि रेडमी 7A का हैंडसेट आपके पास अगर आ जाता है उसमें ग्राफिक नहीं आते हैं तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और इस तरह का स्कीमेटिक डायग्राम की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, वोल्टेज मेजरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, एक एक सप्लाई एक एक लाइन की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये हैंडसेट रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली ग्राफिक आईसी इसमें बदल देंगे तब भी काम नहीं होने वाला, और CPU वगैरह रिवॉल्व कर देंगे तब भी आपका काम नहीं होने वाला, क्योंकि अगर इसमें कोई सप्लाई या कोई लाइन मिस हो जाती है तो हमारा प्रॉब्लम वैसे का वैसा ही रहता है, सॉल्व नहीं होगा। तो प्रॉपर आपको सीखना पड़ेगा, प्रॉपर आपके पास सर्किट की नॉलेज है तभी आप कोई भी हैंडसेट बहुत ही ईजी वे में रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ IC बदल लेने से आपका काम होने वाला है नहीं। शमशुद्दीन, क्या ये हैंडसेट में CPU रिवॉल्व कर दें या ग्राफिक IC डाल दें दूसरी, तो क्या हमारा ग्राफिक आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा क्योंकि अगर लाइन मिसिंग रहेंगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले VPH लाइन इनपुट चेक कर लो कॉइल के दोनों ओर। यहाँ पे लगाओ सिर्फ चार्जिंग पिन का कनेक्टर और बैटरी लगा के PCB पलटा लो और पलटा के VPH वोल्टेज उसको इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ग्राफिक के कॉइल के पास। नंबर क्या है? L1201 L1201 ठीक है, उस वो कॉइल के पास दोनों ओर चेक कर लो VPH इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा। पतरा कट कर दिया आप? हाँ सर। थोड़ा सा बताओ। ठीक, अभी इजी है ना चेक करने के लिए? हाँ, कॉइल के पास ठीक है, यहाँ पे लाइट जल रही है आपकी, मतलब आपका वोल्टेज इन हो गया। अब मल्टीमीटर को कहाँ पे रखना है शमशुद्दीन? वोल्टेज पे रखना है ठीक है, और इनपुट चेक करना है ठीक है, एक रख कॉइल के दोनों साइड में चेक करने का। ये पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है ठीक है, कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हैं अपन, कैपेसिटर पे चेक करेंगे ठीक है। कैपेसिटर का नंबर क्या है? कैपेसिटर का नंबर है C1206। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं C1206, क्योंकि कॉइल के पास चेक करना थोड़ा मुश्किल है तो अभी यहाँ कैप पे भी हम चेक कर सकते हैं जी ठीक है। चलिए कैप पे चेक करके बता दीजिए कहाँ लगा है वो बोर्ड में, थोड़ा सा C1206 कॉइल के जस्ट बाजू में लगा है ना, कॉइल के जस्ट बाजू में ठीक है। ठीक है, यहाँ तो हमारा VPH वोल्टेज आ रहा है 3 वोल्ट वोल्टेज बना रहा है ठीक है, कॉइल के उस साइड में देखिए तो वोल्टेज नहीं बना रहा है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हम कॉइल के इस साइड में चेक कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे हमारा VPH वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन इस साइड में नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस साइड में नहीं मिल रहा है मतलब यहाँ पे हमारा कॉइल ओपन है। तो ये VPH वोल्टेज इस कॉइल के थ्रू इस IC को जाता है, तो यहाँ पे अगर कॉइल ओपन रहेगा तो हमारा ये वोल्टेज VPH इस IC को इन नहीं होगा और ये IC के इंटरनल फंक्शन वर्क नहीं करेंगे। तो शमशुद्दीन क्या फॉल्ट मिला इसमें आपको? VPH इन कॉइल पे आके कॉइल ओपन होने की वजह से ग्राफिक्स IC में जा नहीं रहा है ठीक है जी, इसकी वजह से जो इनपुट ही नहीं आएगा तो आउटपुट VSN और VSP बनाने का
चांस नहीं है। तो जैसा कि ये कॉइल अभी हमको ओपन मिला है जी, तो ये कोई फेक वीडियो तो नहीं है? जी फेक वीडियो नहीं है। देखिए कि जैसा कि सारे स्टूडेंट यहाँ पे है, लाइव सभी काम कर रहे हैं। और ये सेट किसका है भाई? ये हमारे एक स्टूडेंट का ही है ना, हमारे इंस्टीट्यूट का तो नहीं है? नहीं। चलिए करिए, क्या करना है आगे करिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले एक कॉइल चेंज कर लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि वोल्टेज हमारा आगे आईसी की ओर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। और कॉइल भी आपको निकाल के चेक करके बता देंगे कि कॉइल हमारा ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि आपने देखा, पत्रा हमने अभी काटा, यहीं पे इसकी शील्ड रखी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जो भी वीडियो हमारे चैनल पर हम डालते हैं पूरा जेन्युइन होता है, कोई फेक नहीं होता है। ठीक, तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल हमने निकाल लिया है। और कॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा थोड़ा सा लाइट टूटा हुआ भी है। ठीक है, तो इसको चेक करके कोई मायने नहीं है, क्योंकि कॉइल क्या मिला आपने को शमसुद्दीन? ओपन मिला, थोड़ा सा टूटा हुआ है और ओपन भी है। चलिए दूसरा कॉइल डालिए। यहाँ पे एक स्क्रैप बोर्ड है फ्रेंड्स, इसमें से एक कॉइल निकालते हैं और ये कॉइल लगा देते हैं। ये यहाँ रखा हुआ है हमारा कॉइल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला कॉइल हमारा टूटा हुआ कॉइल यहाँ पे मिला है। जैसे कि फ्रेंड्स प्रॉपर अगर आपको सीखना है, ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है। एक एक सप्लायरों की नॉलेज आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या काम आपको करना है। और यहाँ जो भी होता है लाइव सारे स्टूडेंट अपना अपना काम करते हुए जैसा आप देख सकते हैं, सभी स्टूडेंट यहाँ पे लाइव काम करते हैं। लगा दिए? हाँ, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, चलो चेक करोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कॉइल लगा लिया है और एक बार वापस से वीपीएस लाइन हम कनेक्टर लगा कर चेक करेंगे दोनों ओर, और उसके बाद डिस्प्ले लगा के चेक करेंगे कि हमारा काम बना है कि नहीं बना है। और ये कॉइल को मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ थोड़ा सा साइड में। ये देख सकते हैं कॉइल जो प्रॉब्लमेटिक हमको मिला है, ये वाला कॉइल, इसको एक बार चेक भी करके बता दूंगा मैं आपको। ये फ़ोन के ऊपर रख रहा हूँ, थोड़ा सा चेक करके बताना है उसको बाद में। ठीक है,
चलिए थोड़ा सा वोल्टेज चेक कर लेते हैं कॉइल के दोनों ओर। मल्टीमीटर को रखेंगे डीसी 20 में, ठीक है। यहाँ पे तो डीसी डायरेक्टली है क्योंकि हम एडवांस मल्टीमीटर है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे VPH वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल के एक ओर तो VPH वोल्टेज बन रहा है, अब दूसरी ओर लगाइए संशोधन। तो ये देखिए फ्रेंड्स पहले यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा था, अभी वोल्टेज बन रहा है। तो चलिए संशोधन एक बार डिस्प्ले लगाइए चार्जर निकाल के और ऑन करके बताइए हमारा ग्राफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा हैंडसेट को फिट कर लेते हैं पीसीबी को फोल्डर में और चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। चार्जिंग है बैटरी में, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं इनका ग्राफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। एक बार इनके लिए जोरदार क्लास, सब लोग ग्राफिक बना दिया इसमें, बताओ देख। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था VPH वोल्टेज इनपुट नहीं हो रहा था ग्राफिक आईसी को, समझ रहे हो आप लोग? अच्छा VPH इनपुट नहीं होगा तो VSP VSN बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बताओ भाई। नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम VPH वोल्टेज क्या करें, कॉइल ओपन हो गया था इनपुट में, कॉइल चेंज कर दिए और हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। शमशुद्दीन थोड़ा सा बताओ जी। सेट बना रहे हो डबल डेकर, कितने बना लिए अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 5 बना लिए हैं। 5 डबल डेकर बना लिए और अभी ट्रबल शूटिंग में भी तुम्हारा में ग्राफिक सेक्शन जो के थोड़ा सा ब्राइटनेस नया था। हाँ थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दो इसका, समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ की ट्रेनिंग के बारे में, कोई आगे सीखना चाहता है उसको क्या बोलना चाहेंगे? जी बेझिझक आके जमिए, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप हर प्रोडक्ट की नॉलेज, हर हैंडसेट की नॉलेज डिटेल में दी जाएगी, हर वोल्टेज से लेके बारीक से बारीक कनेक्शन, इनपुट आउटपुट A to Z कनेक्शन, CPU से लेके आपके जब चार्जिंग कनेक्टर लगाते हैं वहां से लेके कंप्लीट CPU तक जो एक्नॉलेज मिलना चाहिए और रिवर्स एक्नॉलेज जो मिलना चाहिए कंप्लीट डिटेल दी जा रही है। मतलब सिग्नल लाइन, कमांड लाइन, I2C लाइन, SPI लाइन, एनेबल लाइन, सब कुछ इनेबल लाइन, सब कुछ बता रहे हैं आपको। पहले ऐसा फॉल्ट इजीली मिलता था क्या? पहले भी काम करते थे आप? नहीं मिलता था, अभी इजी वे में समझ में आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जो सोच के आए थे मिल रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा के बता दो। ठीक है थोड़ा सा बताइए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये हैंडसेट इनका पूरी तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है थैंक यू वेरी मच शमशुद्दीन।